आज का जो नॉट सो गुड डे है उसका पूरा गुस्सा खाने पे निकालना है आज। आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं रहा, और क्योंकि एक फ्रेंड से यहाँ पे लोकल फ्रेंड से जिससे मैं सर्बिया में मिला था उससे मिलना था, और उसने कुछ जगह घुमानी थी, कुछ हैंगआउट करना था। बट आप बिलीव करेंगे, जिस जगह हमने डिसाइड किया एक मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ पे मैं पहुँच ही नहीं पाया, और 2 घंटे हो गए। मतलब वही है, आप बोलेंगे कि यार ऐसा क्यों, तो रीज़न इसलिए, मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो मेरे पास सिम कार्ड नहीं है तो मैं कांटेक्ट नहीं कर सकता बिल्कुल भी, सिम कार्ड नहीं होने की वजह से। प्लस उसके बाद जो यहाँ पे जितने भी फ्री वाईफाई मिलते हैं, फ्री वाईफाई के लिए भी आपको यहाँ पे कोई लोकल नंबर रशियन नंबर डाल के OTP आता है, तो वो वेरीफाई करना होता है, तब आप फ्री वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। तो बस इन्हीं चक्करों में मैं आज इधर से उधर किसी मैकडोनल्ड्स में जाके, किसी KFC में जाके अगर कनेक्ट कर सकता हूँ तो कर पाऊँगा। मेट्रो स्टेशन के रूट अभी मुझे समझ में नहीं आए हैं, ऑल्दो इतना मुश्किल भी नहीं है, छोटा है, बट मेरी अभी समझ में नहीं आया है 2-4-5 दिन में। और आप बिलीव करेंगे 2 घंटे हो गए और मैं वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाया, बाहर ऑलरेडी अंधेरा हो गया है, तो आज घूमने का कोई प्लान नहीं हुआ। अब एक आज फिर भी कुछ है, आज का जो है प्रोग्राम वो लोकल रशियन फूड, मतलब वेजिटेरियंस के लिए भी लोकल रशियन फूड का कोई ऑप्शन किसी ने बताया था। नेविस्की स्ट्रीट पे ये मॉल है, मॉल का नाम मुझे नहीं पता, और इस मॉल में ही वो रेस्टोरेंट है। 5th फ्लोर पे फूड कोर्ट टाइप है, मतलब ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें 5th फ्लोर पे ही है। तो मैं वो ढूंढ रहा हूँ, तेरेमोक नाम से है रेस्टोरेंट, तेरेमोक तिरमोक तो दिख गया है। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं वेजिटेरियन हूँ, और कुछ मशरूम के साथ, बकवीट करके कुछ है मशरूम के साथ, तो वो लोकल है रशियन फूड। वेजिटेरियन के लिए अगर रशिया में कोई लोकल फूड मिल जाए तो मतलब समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक ठाक क्यू भी है छोटी सी, तो मतलब कुछ होगा खाने में, सभी लोग वेट कर रहे हैं क्यू में। एक मेन्यू मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले मेन्यू पढ़ते हैं और देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि उसमें क्या है। वेजिटेरियन करके भी लिखा हुआ है यहाँ पे। बकवीट तो ये है जो मुझे सजेस्ट किया था, बट यहाँ पे पॉरिज लिखा हुआ है। पॉरिज तो हमारे यहाँ दलिया होता है, तो पता नहीं इसमें से क्या लिया जाएगा। ये वाली चीज़ भी थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, मगर ये डिज़र्ट है, शायद मीठा है ये। प्लस शॉर्ट लिस्टेड आइटम्स में एक जो चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, एक ये इंटरेस्टिंग लग रहा है अगर ये वेजिटेरियन हुआ तो, विद पोटैटोज़ एंड मशरूम्स है। फिर ये मशरूम सूप या जो भी है चीज़ सूप है, तो इन चारों चीज़ों में से मैं कुछ शॉर्ट लिस्ट करता हूँ। एक काम करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, जो लोकल ने सजेस्ट किया था बकवीट विद मशरूम वही सीधा बोल देते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब भूख भी लगी है। रे वेट, फर्स्ट आई नीड टू टेल यू दैट आई एम अ वेजिटेरियन। नो, ओके, सो आई वांट टू हैव बकवीट विद मशरूम। और मे बी यू कैन कॉल समवन हु कैन स्पीक इन इंग्लिश, बकवीट। Yeah, but with no meat, no chicken. No. No. With mushrooms. Mushroom. Yeah. I don't understand. Maybe I speak with someone in English. No. Okay. Вам добавить сюда. Mushroom. Okay. Plus mushroom. Yeah, but I am a vegetarian. Sure. Yeah, you understand? Da. Milk. You eat. Yeah. Yes. So I wanted to add buckwheat with mushroom.
Yes. Mm-hmm. Sure. And what is this? Vanilla cake. It's vegetarian. Potatoes and mushroom. Yeah, no meat, no? No. No chicken, yeah. No. Okay, perfect. Mm-hmm. This is also. Yeah. That's it. I'm sorry, people are waiting there. So. With mushroom. And this. Yeah, that's it. Drink. No, thanks. Nothing. No. Yeah. Yeah, I use my card here. Thanks a lot. Okay. Now I need this. I need this, please. Thank you. फुल है, पूरा बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे. Somebody sitting there? तो ये क्या है? ये बकरीद वाली और ये क्या है? वर्निका, वेरेनिकी, वेरेनिकी पोटैटो एंड मशरूम्स में अभी टाइम लगेगा, 5 मिनट बोला है. तो तब तक ये वाला मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ क्या है. जैसे आपके गेहूं के दाने उबाल दिए हों, अब आई एम नॉट श्योर कि गेहूं के उबले हुए दाने हैं प्लस सॉल्टेड कुछ फ्लेवर दिया हुआ है और मशरूम के साथ ग्रेवी वाला मशरूम दिया हुआ है. टेस्टी है, नो डाउट. वाओ, पास हो गया ये वाला. तो नेक्स्ट देखते हैं. दूसरी चीज ये मिली है, ये ऑर्डर करी है, वेरेनिकी मोमोज की याद दिला दी. अरे वाह, क्या चक्कर है भाई, ये मोमोज हर जगह होते हैं, मतलब यहाँ पे भी, रशिया में भी होते हैं. देख रहे हो, बिल्कुल मोमोज जैसा है और मोमोज ही है मुझे लग रहा है ये, विद पोटैटो और मशरूम. बड़ो में कुछ क्रिस्पी ऊपर स्नैक डाला हुआ है, कोरिएंडर से गार्निश किया है. कोरिएंडर ही है ना, नहीं कुछ और है. और टेस्टी है, बट कोई सॉस या इस तरह की चटनी के साथ सर्व नहीं किया है. हाँ, जो फीलिंग है अंदर पोटैटो की, वो काफ़ी गर्म है और कैसे बोलूँ मैं, मैश्ड है, मतलब पिघली हुई है फीलिंग. पर ओवरऑल वेरी टेस्टी, वेरी सेटिस्फैक्ट्री. एक बात और है कि फूड अच्छा तो है, साथ में यहाँ पे सस्ता भी है तिरिमॉक में. क्योंकि इतना तो मैं, इससे ज़्यादा तो मैं अपने ये मैकडोनल्ड्स के बर्गर वगैरह में पे कर रहा था और काफ़ी रीजनेबल है. कितने का है ये? 168 रूबल का ये है मोमोज, मतलब जो भी है वेरेनिकी. और बाकी मतलब टोटल बिल शायद 350 या 388 ऐसा था, विच इज़ गुड. अब बर्गर में मुझे क्या मिलता है, बर्गर में मुझे वही बस वेजिटेबल्स मिलती हैं, उसमें से मीट हटा देते हैं. ऐसे नहीं कि आलू पैटी यहाँ पे डालते हैं, आलू पैटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पनीर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. जो नॉर्मल बर्गर होता है उसमें से मीट हटा के बस सब्जी डाल के दे देते हैं. तो उसका मैं अगर 200 रूबल पे करूँ तो उससे बढ़िया है मैं इस तरह की लोकल रशियन कुजीन ना ट्राई करूँ. बुरा दिन बट अच्छा खाना. चीयर्स.